आप देख रहे हैं सैफई बुलेटिन। आज आपको एक ऐसे ऐतिहासिक किले के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के राजा ने अंग्रेजी हुकूमत के आदेश को न मानते हुए एक आरोपी को मृत्युदंड दे दिया था। हम बात कर रहे हैं चंबल नदी के किनारे बसे रामपुर रियासत के राजा रामशाही की। जालौन में रामपुर किला बुंदेली रियासत का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। इसे 600 वर्ष पहले राजा चित्तर सिंह ने बनवाया था और आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षण बरकरार है। चंबल के जंगलों में बने इस किले को होटल हेरिटेज का दर्जा मिला है और विदेशी सैलानी आते हैं। बुंदेलखंड की पुरातात्विक धरोहरों में से एक रामपुरा किला स्थापत्य कला की अनुपम कृति है। चंबल के हरे भरे जंगल के बीच स्थित इस किले को 600 साल पहले महाराज रामशाही राम सिंह जूदेव ने बनवाया था। उस समय के बने राजमहलों में इसकी अलग पहचान है। इसे बुंदेली रियासत का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। रामपुरा रियासत के अंतिम शासक महाराज चित्तर सिंह जूदेव को कीमती नस्ल के कुत्ते पालने का शौक था। पड़ोसी देशों तक वो कुत्ते वाले राजा के नाम से जाने जाते रहे। साहित्यकार व इतिहास के जानकार डॉक्टर महेश पांड्य के मुताबिक रामपुरा रियासत के वर्तमान राजा केशवेंद्र सिंह जूदेव के पूर्वज मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के नरवर से यहाँ आए थे, जो कछवाहों की मुख्य राजधानी थी। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने अधिकांश रियासतों पर कब्जा जमा लिया था। राजा रामशाही ने रामपुरा रियासत के दरबार में एक आरोपित को मृत्युदंड दिया था, जबकि अंग्रेजी हुकूमत का साफ आदेश था कि किसी भी रियासत में आरोपित को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। इसलिए रामपुरा रियासत का दायरा क्षेत्रफल के आधार पर कम कर दिया गया। पहले रियासत में 56 गांव आते थे जो उनके द्वारा ही बसाए गए थे। आइए जानते हैं आखिर क्या है रामपुरा किला की खासियत। रामपुरा दुर्ग सामान्य स्तर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित है। रामपुरा फोर्ट के चारों ओर 150 फीट चौड़ी व 20 फीट गहरी खाई है। किले का प्रवेश द्वार 20 फुट ऊंचा एवं पूर्वाभिमुख है। इसके ऊपर एक कोविल स्थापित है जिसके मध्य में शिवलिंग नंदी सहित प्रतिष्ठित है तथा इसके उत्तरी भाग में हनुमान जी एवं दक्षिणी भाग में गुप्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है। इसी के नीचे से एक सुरंग टिहर तक जाती है। दरवाजा मोटी लकड़ी का बना है जो कि हाथी मस्तक भेदक कीलों सूपों से सुसज्जित लोहा युक्त है। दुर्ग की बाहरी परिखा मिट्टी के टीले नुमा है। आपातकाल हेतु दीर्घकाल अन्न व जल भंडारण प्रबंध से पूरित है, जहां एक ओर सुनियोजित उत्कृष्ट पर्वत दुर्ग की झलक इसमें मिलती है, वहीं दूसरी ओर ईश्वर शक्ति में अटूट विश्वास का दिग्दर्शक शिवलिंग इस रामपुरा राज्य के राज्य चिन्ह में भैरव प्रतिमा का अंकन दृढ़ता प्रतिष्ठित करता हुआ अध्यात्मवादी दृढ़ कोण प्रकट करता है। रामपुरा किला चारों ओर खाइयों से घिरा होने के कारण जहां यह सुरक्षा की गारंटी लेता है, वहीं दूसरी ओर यह किला कछवाहों की सूझबूझ को परिलक्षित करता है। किले के मुख्य द्वार में प्रवेश करने के परिखा की ओर बढ़ते हुए एक दरवाजा मिलता है। यह दरवाजा भी प्रथम दरवाजे जैसा ही है। यहाँ पर महल के अंदर प्रवेश करते हुए दीवार की ऊंचाई लगभग 410 फुट है। इस किले के बाहर जो बुर्ज इत्यादि बना है, इसमें एक कमल बुर्ज भी था जिसके विषय में यह भी कहा जाता है कि तात्या टोपे ने 1857 में एक तोप का गोला इस रामपुरा के किले पर मारा था जो कि इस किले के कमल नामक बुर्ज पर लगा था। मुख्य दरवाजे व उत्तर दक्षिण पर एक छोटा बुर्ज भी है। वर्तमान उत्तराधिकारी श्री समर सिंह ने एक साक्षात्कार में राजा केशवेंद्र सिंह जूदेव ने बताया कि महाराज यशवंत ने भरे इटावा राज्य के अंतर्गत कोष्टक पर हमला किया, लेकिन ये उसे जीत न सके। भरेख महाराज के रिश्तेदारों ने रामपुरा पर हमला करके इसे फतेह किया। यहाँ पर 7 वर्ष तक भदौरियों का शासन रहा। प्रभाव स्वरूप यहाँ पूरे 5 कुएं भदौरियों द्वारा बनवाए गए।
रामपुरा रियासत ने महाराज जयपुर की मदद से पुन रामपुरा पर अपना अधिकार कर लिया था। आपको बताते चले कि किले में रियासत काल में उपयोग में आने वाले हथियार भाला, ताकव, ढाल, बर्छे, तरह तरह की बंदूकों को संग्रहालय में रखा गया है। राजा चित्तर सिंह शिकार के शौकीन थे। उनके द्वारा शिकार किए गए तेंदुआ, शेर, हाथी, बारह सिंघा आदि अनेकों जानवरों की खाल, दांत व अवशेष दर्शनीय हैं। रामपुरा रियासत के चिन्ह पर शेर व कुत्ते की आकृति से शेर जैसी ताकत व कुत्ते सी वफादारी को प्रदर्शित किया गया था। रामपुरा किला जालौन जिले के मुख्यालय उरई से 55 किलोमीटर दूर है। किले से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर इटावा, मध्य प्रदेश के भिंड व औरैया जिलों की सीमाएं प्रारंभ होती हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से यात्रा के दौरान जालौन के छिरिया के पास कट से नीचे उतरकर महज 12 किलोमीटर की दूरी तय कर इस किले तक पहुंचा जा सकता है। वर्तमान में किले को होटल हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है, जहां विदेशी सैलानी रुकते हैं, बिहार में घूमकर यहां के मनोहारी नजारे देखते हैं। किले को अब और ज्यादा आकर्षक बनाया गया है। इसकी रंगाई, पुताई, मरम्मत जैसे कार्य निरंतर चलते रहते हैं। रियासत के राजा केशवेंद्र सिंह ने बताया, वो खुद देखरेख करते हैं। किले के पीछे तालाब है, जिसमें मछली पालन किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल सैफई बुलेटिन को सब्सक्राइब करें व वीडियो को शेयर करना न भूले। ये ट्रॉफी क्या है? ये है इंद्रकांत बहादुर डॉक्सो के प्रेसिडेंट थे। अच्छा, वो डॉक्सो की जीती हुई सब ट्रॉफी है। बहुत अच्छे सपोर्ट, बहुत बहुत ट्रॉफी है इनके टाइम में, हर वैरायटी उनके पास थी। अरे डॉक्स की बड़ी टॉप पॉकेट डॉग से लेकर के अब सबसे हाईएस्ट हाइट वाले डॉग के साथ। ये क्या चीज है? बिलियर्ड्स की वो है। बिलियर्ड्स टेबल की इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, खेलने के लिए। वो ये कितनी पुरानी है? काफी टाइम पुरानी है, ब्रिटिश टाइम से। अच्छा अच्छा।